हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो आईपीसी सेक्शन 310 ठग। जैसे आम बोलचाल भाषा में कहते हैं ठग, किसी ने किसी को ठगी मार ली, किसी ने किसी को धोखे से पैसे ले लिए, उसे हम ठग या ठगी कहते हैं। पर जो आईपीसी सेक्शन में 310 में जो ठग की परिभाषा दी गई वो एक इंग्लिश का वर्ड है ठग, तो हम इसे उस ठग से ना लेकर जो हम समझते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग ठग की जो डेफिनेशन है वो मैं आज आपको समझाना चाहूँगा। हूएवर एट एनी टाइम, कोई भी है वो किसी टाइम पर, आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट, जब ये एक्ट पास हुआ है उसके बाद, शैल हैव बीन हैबिचुअली एसोसिएट विद एनी अदर और अदर्स फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग रॉबरी, भी जब ये एक्ट पास हुआ है उसके बाद कोई व्यक्ति है किसी के साथ मिलकर या किसी के साथ सहयुक्त रहता है रॉबरी या लूट करने और चाइल्ड स्टीलिंग, कोई बच्चा चोरी करता है, बाय मीन्स ऑफ और कंपनी विद मर्डर और हत्या, चोरी सहित हत्या या बच्चे को किडनैप कर लिया, बच्चे को चोरी कर लिया, तो हम इसे ठग की डेफिनेशन में मानते हैं। जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शीशियों की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सहयुक्त रहता है, तो हम इसे ठग की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। ये इंग्लिश का वर्ड है ठग, जो किसी के साथ मिलकर बच्चा चोरी करता है या लूट करता है और लूट के साथ किसी की हत्या करता है, तो हम इसको डेफिनेशन जो है ना वो ठग की डेफिनेशन मानी जाती है। और जो इसका जो पनिशमेंट है वो 311, जो कोई ऐसी अपराध करता है, जो ऐसा कोई क्राइम करता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो 311 में बताया गया है। हूएवर इज ठग, जो कोई ठग होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास के लिए दंडित किया जाएगा, एंड आल्सो शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको फाइन भी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा 310 और 311, 310 ठग और 311 में पनिशमेंट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ठग की जो लॉ के अकॉर्डिंग जो सही डेफिनेशन है उसके बारे में पता लगा होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, कि आपको और आप जिसके साथ शेयर करोगे उनको लॉ के कानून की अच्छे से जानकारी हो। नमस्कार।